आकाशपुर नाम के गांव में वरम नाम की एक भूत रहा करती थी। वो भूत अनाथाश्रम में रहने वाले अपने बच्चे की देखभाल करते हुए और गांव के लोगों की सहायता करते हुए जीवन बिता रही थी। असल में उस भूतनी के पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन वो साधारण भूत की तरह रहती थी। एक बार की बात है, अनाथाश्रम चलाने वाले वीरैया का बेटा बहुत बीमार हो गया और मौत से जूझ रहा था। तब भूतनी वहां जाकर कहती है, वीरैया तुम दुखी मत हो, तुम अपने बच्चे के साथ अनाथ बच्चों की भी देखभाल करते हो, मैं तुम्हारे बेटे को मरने नहीं दूंगी। ये कहकर वीरैया के बेटे को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। इस तरह उसी गांव में रहना जारी रखती है। उसी गांव में पद्मनाभम नाम का एक नेता रहता है। वो एक तो प्रजा की भलाई का ख्याल नहीं रखता और अपने अधिकार का लाभ उठाकर अपराध भी करवाता है। उस नेता की नजर आश्रम की जमीन पर पड़ती है और वो उसे किसी भी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता है। एक दिन अपने भाई से यूं कहता है, भाई उस जमीन का क्या हुआ? उस वीरैया से मैंने अपने लिए ना कहने पर दूसरे लोगों से बात करवाई, पर वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। ऊपर से कानून की बात करता रहता है हमारे सामने। नेता पद्मनाभम गुस्से से कहता है, देखो भाई तुम क्या करोगे पता नहीं, पर वो जमीन किसी भी तरह मुझे अपने पास चाहिए। ऐसे कहने पर नेता का भाई शॉर्ट सर्किट के बहाने आश्रम में आग लगवा देता है। ये जानकर भूतनी बच्चों की जान बचा लेती है। सारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, पर भूतनी बहुत गुस्से से नेता को सबक सिखाने जाने लगती है। वीरैया उसे रोकता है और कहता है, वरम रुको, जल्दबाजी मत करो, अभी तुम गई तो उस राक्षस को तुम्हारा पता चल जाएगा ना, फिर उसने किसी तांत्रिक को बुला लिया तो तुम परेशानी में पड़ जाओगी। मैंने तुम्हें भेजा है ये सोचकर हम सबको भी बाद में परेशानी में डालेगा। ऐसा कहने पर भूतनी रुक जाती है, पर आश्रम को और बच्चों को अपनी मेहनत से चलाने की सोचती है, ना कि शक्तियों से। तब से उसी गांव में पके आम बेचने लगती है। एक औरत एक दिन आम खरीदने आकर कहती है, क्यों वरम, तुम्हारे पास तो बहुत सी शक्तियां हैं, खूब रुपए कमा सकती हो, फिर क्यों इस तरह धूप में आम बेचती रहती हो? उन अनाथ बच्चों में मेरा बेटा भी है, इन लोगों के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं तो मेरे बेटे का भी भला होगा, पर मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा ना करने का निश्चय लिया है। मेहनत से कमाऊंगी और उनकी मदद करूंगी। इस तरह अपना निर्णय बताती है और एक साधारण मनुष्य की तरह पके आम बेचकर उन रुपयों से अनाथ बच्चों का खर्च चलाती है। उस नेता के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में गवाही दिला करके वीरैया को बताती है और उसे दोषी साबित कर उसे सजा दिलाती है। इस तरह सबूत सहित दोषी को सजा मिलने पर आश्रम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सारे गांव वाले उस भूतनी का एहसान मानते हैं, क्योंकि ये सब उसी की वजह से संभव हो पाया था। नीमलीपुरी नाम के गांव में एक अच्छी भूत रहती थी। वो बिना किसी को दिखाई दिए उनके छोड़े हुए खाने को खाकर अपना जीवन गुजार रही थी। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसी गांव में वीरभद्र नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बड़ा घमंडी था, वो खुद को महान बाकी को तुच्छ समझता था। उसकी तरह ही उसका एक बैल भी था जो बहुत बिगड़ैल था। वो अपने मालिक को छोड़कर किसी को पास नहीं आने देता था, ना ही किसी की सुनता था। दिन पर दिन इस वीरभद्र की करतूते सबको परेशान कर रही है, इसका दिमाग कैसे ठिकाना लगाया जाए? इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है, उसे गांव से भगा दो तभी गांव वाले सुखी रहेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है, पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह गांव के लोग वीरभद्र के बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को अच्छी भूत सुन लेती है। एक दिन गांव में बाजार लगा है। वीरभद्र का बैल रस्सी तोड़कर गांव में घुस जाता है। जो भी सामने आता है उसे सींग से मारता है या उन्हें कुचल देता है। बाजार की दुकानों को बर्बाद करने लगता है। इस घटना से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं।
दुकानदारों का भी काफी नुकसान होता है। आज तो जान बच गई, नहीं तो गांव में कितनी लाशें पड़ी होती पता नहीं। वो तो सब ठीक है, पर जिन दुकानदारों का सामान का नुकसान हुआ उनका क्या? अब बिना कोई देर के हमको इस बारे में कुछ करना होगा। ऐसा कहकर सब मिलकर वीरभद्र के पास जाते हैं। अरे वीरभद्र भाई, आप कुछ बुरा ना सोचे तो एक बात कहनी है, आपके बैल के कारण हम सबको रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो रस्सी तोड़कर गांव में घुसकर कई लोगों को अस्पताल पहुंचा चुका है। दया करिए, इसका कोई तो मार्ग निकालना ही पड़ेगा। सब नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, लेकिन बदले में तुम लोगों को इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं। तुम में से कितने लोग मुझे और मेरे बैल को गाली दे रहे हो मुझे पता है। यही नहीं, मुझे पता है तुम सब हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं यही सोच रहे हो, इसलिए मैं हमेशा के लिए मेरे बैल से छुटकारा पाने का एक मौका देता हूँ। वो क्या? इस गांव में जो भी मेरे बैल से मुकाबला करके जीत जाएगा उसी दिन मैं और मेरा बैल गांव छोड़कर चले जाएंगे। कोई है इस गांव का जो मेरे बैल से मुकाबला कर सके? है तो सामने आए मेरे। इस तरह से कहने पर सब सिर झुकाकर चले जाते हैं। उसी दुख के समय भूतनी दिखाई देती है। बहुत सालों से आप सबका खाना खाकर जिंदा हूँ, मैं आप सबका ऋण चुकाना चाहती हूँ, इसलिए इस लड़ाई में मैं उतरती हूँ। वैसे भी मैं भूती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर वो सबको सहमत कर लेती है। फिर सारे गांव के लोग वीरभद्र से, बाबूजी आपके कहे अनुसार इस गांव में ही रहने वाली ये भूत इस मुकाबले के लिए तैयार है। ऐसा कहकर भूत और बैल से मुकाबले की तैयारी करते हैं। भूत कड़ा मुकाबला करके घमंडी बैल को हरा देती है। इस कारण वीरभद्र बैल के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। इसके बाद से गांव वाले खुशी से रहते हैं। भूत ने उनकी सहायता की, इसलिए उसका भी ध्यान रखते हैं।